नमस्कार, मैं विदेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज भी शिक्षा चैनल पर। तो दिन भर के तरुण ताजा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। शिमला ओक ओवर में दंगा, गिरने से 3 भवन खतरे की जद में 6 परिवारों के 30 लोगों को किया रेस्क्यू। राजधानी शिमला में मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर परिसर का दंगा ढहने के कारण 7 लगते 3 भवनों को खतरा पैदा हो गया। प्रशासन ने भवनों को इतिहास के तौर पर खाली करवा दिया गया है। इसमें रह रहे 6 परिवारों के 30 लोगों को प्रशासन ने पीटरहाफ के सर्किट हाउस में शिफ्ट कर दिया। एसडीएम शहरी मंजीत शर्मा ने खुद मौके पर जाकर प्रभावितों को भवन से सुरक्षित बाहर निकाला और रेस्क्यू किया। हिमाचल प्रदेश मानसून सीजन में अब तक 502 करोड़ का नुकसान, अभी भी 4% कम बरसे बादल। हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। 502 करोड़ की चल अचल संपत्ति आपदा के चलते ध्वस्त हो गई। 152 लोगों ने सड़क हादसों से लेकर भूस्खलन, बाढ़ या बादल फटने जैसी घटनाओं के चलते जान गंवाई। राज्य आपदा प्रबंधन सेल की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अकेले पीडब्ल्यूडी विभाग को 347 करोड़ का नुकसान हुआ है। जल शक्ति विभाग को 147 करोड़, ऊर्जा विभाग को 57 लाख का नुकसान हुआ। वहीं 575 लाख का मौद्रिक नुकसान भी दर्ज किया गया। भारी बारिश, बादल फटने और बाढ़ के चलते 14.6 लाख की फसल भी बर्बाद हो गई। 515 कच्चे व पक्के घरों और दुकानों, गायों के 379 शेड को भारी नुकसान हुआ है। इस दौरान 393 पशु पक्षियों की भी मौत हो गई। भूस्खलन से सबसे ज्यादा 21 लोगों की जान गई है। इनमें भी कांगड़ा और किन्नौर में 10 व 9 जबकि शिमला में 2 लोगों की मौत हुई। बाढ़ व बादल फटने की घटना से लाहौल स्पीति में 7 और चंबा में 2 लोगों की जान चली गई। डूबने से कांगड़ा में 8, कुल्लू में 3, लाहौल स्पीति, शिमला, हमीरपुर व 1-1, जबकि कुल्लू मंडी में 3-3 और बिलासपुर में 2 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल फ्लड 27 घंटे के रेस्क्यू अभियान में नहीं मिला एक भी लापता, 4 अगस्त तक मौसम खराब। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू में बादल फटने के दूसरे दिन गुरुवार को 27 घंटों से रेस्क्यू अभियान जारी रहा। आईटीबीपी और बीआरओ के साथ अब मंडी से एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला है। दूसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन में दोनों जिलों में लापता 7 लोगों में से एक भी बरामद नहीं हुआ है। पुलिस, अग्निशमन विभाग, स्थानीय लोगों को मिलाकर कुल 100 से अधिक लोग वीरवार सुबह 8 बजे से रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं। लाहौल के तोंजिंग नाले, उदयपुर जाल लामा के अलावा कुल्लू जिला के ब्रह्मा गंगा नाले में दिन भर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने पार्वती नदी के किनारे भुंतर से लेकर मणिकर्ण तक जगह जगह पर लापता लोगों को तलाश किया। दोनों जिलों में बारिश से लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, बीआरओ को करोड़ों की क्षति हुई है। उधर चंबा जिले में 24 घंटों की बारिश में जनजातीय क्षेत्र पांगी में 2 फुट ब्रिज, 20 गाय और 5 खच्चर बह गए हैं। लात घूंसे चले, जमकर हुई गाली गलौज। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के ज्वाली उपमंडल के तहत हरसर पंचायत में मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि कहा जा रहा है कि मामला आपसी समझौते के बाद निपटा लिया गया, लेकिन तब तक वीडियो वायरल हो चुका था। ग्राम सभा की बैठक में किसी का नाम बीपीआर सूची से बाहर किया जा रहा था, तो इसी को लेकर बहसबाजी के बाद मारामारी शुरू हो गई। तो वहीं इसी बीच जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत हरसर में ग्राम सभा की बैठक हुई, जिसमें बीपीएल आईआरडीपी सूची से नाम काटने व नए नाम डालने की प्रक्रिया शुरू हुई। जैसे ही लिस्ट पढ़ी जाने लगी तो 2 गुट बन गए। अगर किसी एक का नाम आईआरडीपी से काटने और दूसरे किसी को शामिल करने की बात की जाए तो एक गुट सहमत हो जाए और दूसरा गुट विरोध जताने लगे। हिमाचल में अब जेबीटी से लेक्चरर बनने के लिए टेट जरूरी, हर विषय में होगी अध्यापक पात्रता परीक्षा। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए अब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अनिवार्य होगा। सरकार शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसमें अब अगर किसी को प्राइमरी से लेकर हायर तक शिक्षक बनना है तो संबंधित विषय में टेट की परीक्षा पास करनी होगी। वहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सरकार ये नई शर्त लागू करेगी। कैबिनेट की बैठक में इस मामले पर चर्चा करने के बाद मंजूरी दी जाएगी। अहम यह है कि उसके बाद टेट की लाइफ टाइम वैधता को सरकार बहाल करेगी। अभी शिक्षा विभाग की मदद से आरएनपी रूल बनाए जा रहे हैं। ऐसे में यह तो तय है कि प्रदेश में अभ्यर्थियों को टेट की लाइफ टाइम वैधता किन्हीं मानकों के तहत मिलेगी। करसोग के चिंडी में सीएम ने मौके पर निपटाई जनता की समस्याएं, रिक्त पद भरने के आदेश।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा करसोग दौरे के दौरान दूसरे दिन प्रातः चिंडी विश्राम गृह में जनता का दरबार सजाया गया। इस दौरान सीएम ने लोगों की समस्याओं को सुना तथा मौके पर ही उनका समाधान कर दिया। सीएम ने कहा कि सरकार ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और रिक्त पदों को भी भरा जा रहा है। जन समस्याएं सुनते हुए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को आदेश दिए कि विभाग में जिन पदों को भरा जाना जरूरी है उन पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाए। सीएम तो अच्छे पर अफसर कर्मचारियों के हितैषी नहीं, यह बोल गए चतुर्श्रेणी कर्मचारी। हिमाचल सचिवालय चतुर्श्रेणी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आज सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। संघ ने सचिवालय में आउटसोर्स पर भर्तियों पर विरोध जताया व सचिवालय प्रशासन पर कर्मचारियों की मांगों को पूरा न करने पर आरोप लगाया है। कर्मचारियों ने मांगे न माने जाने तक सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी है। कर्मचारियों का कहना है कि सीएम तो अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन अफसरशाही कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर रही है। वहीं सचिवालय चतुर्श्रेणी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष टेक्स राम शर्मा ने बताया कि सचिवालय में आउटसोर्स पर भर्तियां की जा रही हैं। वह पहले भी अपनी मांगों को लेकर कई बार मुख्य सचिव व सीएम को अवगत करवा चुके हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। सचिवालय के बाहरी राज्यों को लोगों को भर्ती किया जा रहा है और यहाँ प्रदेश के लोग जिन्होंने सरकार बनाई है उन्हें सचिवालय में प्रवेश करने के लिए घंटों का इंतजार करना पड़ता है। अफसरशाही कर्मचारियों पर भारी पड़ी है। सीएम तो अच्छे व्यक्ति है लेकिन अफसरशाही कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर रही है। पांच बेटियों की मां की व्यथा सुन भावुक हुए सीएम जयराम, मौके पर दी आर्थिक मदद। सीएम जयराम ठाकुर के करसोग विधानसभा प्रवास के दौरान चिंडी विश्राम गृह में जब उनसे मिलने पांच बेटियों की एक दुखियारी मां पहुंची तो उस परिवार की व्यथा सुन न केवल मुख्यमंत्री का दिल पसीज गया बल्कि मौके पर ही उन्होंने 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी स्वीकृत की। करसोग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांव खंडहून डाकघर शोरशन तहसील करसोग निवासी सीमा देवी ने अपनी व्यथा सुनाते हुए सीएम को बताया कि उनके पति हिमाचल पथ परिवहन निगम में कार्यरत थे और वह नियमित नहीं हुए थे। उनका कुछ साल पहले निधन हो गया था। इसके बाद पांच बेटियों के इस परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और बमुश्किल परिवार की गुजर बसर होने लगी। पति के देहांत के बाद सीमा देवी को पांच बेटियों की पढ़ाई एवं परिवार की गुजर बसर करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि उनकी एक बेटी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है जबकि अन्य बेटियां स्कूल में अध्ययनरत हैं। सीएम जयराम ठाकुर द्वारा मौके पर ही उनके परिवार के लिए 2 लाख रुपयों की आर्थिक मदद स्वीकृत करने पर सीमा देवी ने उनका आभार व्यक्त किया तथा कहा कि सचमुच जयराम ठाकुर गरीबों और दीन दुखियों के नेता हैं जो लगातार हम जैसे गरीब लोगों की मदद करने को हमेशा तत्पर रहते हैं। सीमा देवी की मां कौशल्या देवी ने भी सीएम जयराम ठाकुर का आभार जताया है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिनभर की ताजा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।